वेलकम टू माय किचन रेसिपी। आज मैं आप लोगों के साथ एक एग रोल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो वेरी सिंपल है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और बताएं कैसा बना है। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। वन एंड हाफ कप मैं मैदा और आटा ले रही हूँ, सेम क्वांटिटी है, और एक पिंच बेकिंग पाउडर और 1 पिंच सॉल्ट, इसको ऐड कर लेंगे। इस तरह से इसको मिक्स कर ले, और 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल मैंने इसमें लिया है। इसे भी हम अपने हाथों से थोड़ा मिक्स करके एक डो बना लेंगे, सॉफ्ट डो। पानी आप एक साथ ना डालें, थोड़ा धीरे धीरे ही डालें। इसके ऊपर हम कुछ ऑयल के डाल करके और इसको हम ऊपर से कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब मैं एक दूसरा पैन हीट करने के लिए दी हूँ, उसमें मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला है और 2-3 बड़े प्याज और 1 कैप्सिकम को मैं इस तरह से कट करके इसको भी हम लो फ्लेम पे भूनेंगे, जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए और लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। फिर इसमें हम 1 चम्मच बटर ऐड करेंगे। बटर जलना नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसको इस तरह से बाद में ऐड की हूँ। और ये देखिए, ये कुक हो गया है, सॉफ्ट हो गया। अब मैं डो कर रोटी बना रही हूँ। जैसे रोटी बनाते हैं, बड़ी रोटी बनानी है। तवा गर्म हो गया है, इस तरह से कुछ बहुत पतली बहुत मोटी नहीं, टर्न कर लेते हैं एक साइड होने पर। और इस पर हम ड्रेसिंग करेंगे ऑयल से, रिफाइंड ऑयल है ये। आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं, दोनों साइड ऑयल से ड्रेसिंग कर लें। ये देखिए कुछ इस तरह से। मैं एक और बना लेती हूँ। इसे भी उसी प्रोसेस से, सेम प्रोसेस से इसको हम सेक लेंगे। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को पसंद आएगी, बड़ों को भी पसंद आएगी, जल्दी से बन भी जाती है। इंग्रेडिएंट्स भी है बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है जो किसी के यहाँ नहीं रहता, सबके घर में ये सब होता है। तो ये मैंने 1 अंडे का ऑमलेट बनाऊंगी यहाँ पे। आप चाहें तो 2 अंडे का भी बना सकते हैं। बस इसको जस्ट फैट लेना, उसमें कुछ मत डालें, क्योंकि जो हम सॉस डालेंगे और कुछ में मिलाएंगे उसमें नमक रहता है हल्का, तो सॉल्ट तो फिर ज़्यादा हो जा सकता है, इसलिए इसमें कुछ मत डालें। पैन में थोड़ा ऑयल था तो मैं कुछ नहीं डाली थी, अदरवाइज आप बस कुछ ड्रॉप डालें उसमें ऑयल के, और उस पर ये अंडे को इस तरह से डाल के ऊपर से रोटी डाल के एक बना लिया है। अब इसको हम लोग इसमें हम 1 चम्मच वेज मोयो मैंने लिया है उसको डालेंगे, 1 चम्मच टोमेटो केचप, इसको हम फैला लेंगे पूरे रोटी पे। और 1 चम्मच मैं ग्रीन चिली सॉस भी डाल रही हूँ, और छोटे बच्चे तो ये ना डालें, तीखा लगेगा। उसके ऊपर ये जो वेजेज हैं जिसको हमने थोड़ा सा पकाया था उसको अभी हम उसके ऊपर डाल देते हैं, और हम इस पे ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल कर लेते हैं और ब्लैक पेपर। ये देखिए कितना सिंपल है, सो सिंपल है नीजी। और ये रेडी हो गया हमारा खाने के लिए। इस तरह से इस पर हम कर देते हैं, इसे आप सॉस के साथ सर्व करें, बहुत ही अच्छी लगेगी। मैं दूसरा भी इसी तरह से बना लेती हूँ, पर मैं इसमें ग्रीन चिली सॉस नहीं डाल रही हूँ। बच्चों को हो सकता है थोड़ा तीखा लगे। अगर आपको मेरा
वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले रेसिपी में। ओके, थैंक यू।